तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लच प्लेट कैसे फिट किया जाता है उसके बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से क्लच प्लेट बदली होता है। और जो मेरे भाई अभी काम सीख रहे हैं या वो काम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो वो भी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्लच कवर है और यहाँ पे दोस्तों ऑयल वोल्ट होता है, उसे खोल के ऑयल को निकाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी बोल्ट्स लगे हैं सभी को बारी बारी से खोलना है। तो दोस्तों फटाफट इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों क्लच प्लेट अभी खुल चुका है और आप देख सकते हैं दोस्तों क्लच प्लेट काफ़ी ख़राब हो चुका है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका ये हब है और इसे दोस्त हम इसे क्लच हब बोलते हैं और ये भी ख़राब हो गया। तो दोस्तों क्लच प्लेट और ये क्लच हब को हम नया लगाएंगे। तो दोस्तों क्लच प्लेट और क्लच हब हमने नया मंगा लिया है और इसे किस तरीके से फिट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक क्लच प्लेट को लगाना है और उसके बाद एक प्रेशर प्लेट यानी लोखंड वाले प्लेट को लगाना है। इसी तरीके से बारी बारी सभी को लगा देना है दोस्तों। उसके बाद से ये दो वाशर होते हैं, जो दो टुकड़े होते हैं, इन्हें हमें ग्रीस लगा के इनके अंदर चिपकाना होता है। तो इस तरीके से आप चिपका लीजिए। और उसके बाद एक कॉलर वाइसर आता है, इसे लगाकर दोस्तों इसके अंदर इसी तरीके से गोल गोल घुमा दें ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद दोस्तों क्लच प्लेट इसके अंदर लगाने के बाद इसके नट को हम टाइट कर लेंगे। और नट को टाइट करने के बाद इसे हमें अंदर बाहर करके चेक कर लेना है, इसे घुमा के देख लेना है कि ये फ्री चल रहा है या नहीं, और इसे भी यहाँ से ऊपर नीचे करके चेक कर लेना है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इसे खोला था अभी बिल्कुल उसी तरीके से फटाफट से फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब ये पूरा फिट हो चुका है और हमने ऑयल भी डाल दिया है। आप भी डाल दीजिएगा जो भी आप पसंद करते हैं। और हमने गाड़ी को चलाकर भी देखा, काफ़ी अच्छा पिकअप ले रही है और काफ़ी स्मूथ भी चल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है जैसे आपने वीडियो में देखा, और आसानी से आप बदल सकते हैं दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कितनी आसानी से हमने क्लच प्लेट को बदली किया और आपको सभी चीज़ें बताई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।